सूरत शहर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नागरिक में जागरूकता लाने के लिए आई फॉलो कैंपेन शुरू किया गया। सूरत शहर में ट्रैफिक नियम लोगों तक पहुंचाया जाए और नागरिकों में नियमों के प्रति जागरूकता आए, जिससे नियमों का सही ढंग से पालन हो सके। आपको बता दें कि 7 जुलाई से सूरत शहर में आई फॉलो कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 26 जुलाई को 12 बजे से 2 बजे तक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो लोग जुड़ेंगे वो ज्यादा मार्क लाएंगे और उन्हें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इनाम भी वितरण किया जाएगा और ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक से जुड़ी परीक्षाएं दे सकते हैं और आपको परीक्षा में पास होने पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथ ही ये जानकारी DCP ट्रैफिक सेक्टर के प्रशांत सुबे ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। मैं प्रशांत सुबे, DCP ट्रैफिक सूरत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 7 जुलाई से सूरत शहर में आई फॉलो कैंपेन सूरत सिटी पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। इसके ही अंतर्गत हम 26 जुलाई को दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में एक ट्रैफिक अवेयरनेस रिलेटेड टेस्ट लेना चाहते हैं, जिस टेस्ट के लिए हमने सूरत सिटी ट्रैफिक पुलिस .com नाम की वेबसाइट शुरू की है और जिसके ऊपर हमने उस टेस्ट के रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो अपलोड किया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करिए, बहुत ही आसान है। जो भी आदमी ने लाइसेंस के लिए RTO में टेस्ट दी है वो आदमी ये टेस्ट बहुत आसानी से पास कर सकता है और इस बहाने हमें पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने की भी इच्छा है। मैं आप सभी के माध्यम से सबको विनती करूँगा, सूरत सिटी ट्रैफिक पुलिस .com इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको आपका टाइम स्लॉट SMS के द्वारा बताया जाएगा और 26 तारीख को 12 से 2 के बीच में आप ये टेस्ट जरूर दे पाएंगे। टेस्ट पास करने के बाद और पार्टिसिपेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 100 लोग होंगे उनको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इनाम भी प्रदान किया जाएगा।